उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महावीर जी के में दर्शन करने के बाद धौलपुर पहुंचे। यहां हेलीपैड पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचे, जहां उनका प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले बने। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। We had great difficulties at home, but now you are living in a path which is recognized by the world as a global leader, as economic giant whose voice is heard in global matters, not inspired or motivated or influenced by anyone else, but only by our national interest. Our Bharat is home to 1/6 of humanity. We are most developed, old, impactful, genuine democracy on the planet. No country in the world can claim to have a civilizational depth of more than 5,000 years, which we have.